हेलो गाइस, मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, मेरे घर में सारे लोग सोए हैं। और आज मैं सुबह उठ के कपड़े धो दी, क्योंकि मैं सुबह में ही कपड़े धो देती हूँ। अभी 9-10 बजे तक सूख जाएगा, इसलिए सारे कपड़े धो दी। और इधर मैं नाश्ते का तैयारी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट का। वो है इधर, रात को ही मैं चावल और दाल, मतलब 4-5 घंटे से चावल और दाल को फुला के रखे थे, रात को ही पीस के रख दिए। और अब हम इसे बनाएंगे, इडली और डोसा। डोसा भी बनाएंगे नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में। और इधर बहुत काम है गाइस, तो बने रहे मेरे वीडियो में। गाइस, मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज मैं इडली बनाने जा रही हूँ। तो ये इडली, 2 गिलास चावल ली थी मैं, कच्चा चावल, और 1 गिलास उड़द का दाल बिना छिलके वाली। तो उसे मैं फूलने डाल दी थी, 4-5 घंटा वो फूल गया। उसके बाद मैं उसे पीस के रख दी, इसे ढक के 4-5 घंटा। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। इसमें कुछ नहीं मिलाई, सिर्फ चावल और दाल। और अच्छी तरह से ये देखिए, मेरा बैटर तैयार हो गया। अब हम बनाने जा रहे हैं इडली। अब ये हमारा इडली का भांडी है, मतलब बर्तन। और इसमें मैं पानी डाल के इसे गैस पे चढ़ा दी हूँ। ये हमारा इडली का बर्तन है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा दूँगी। फर्स्ट बार हमारा इडली इसमें चिपकेगा नहीं, अच्छी तरह से निकलेगा। अब इसे हम इडली के बर्तन में ये डाल देंगे बेटर। ऐसे करके ये देखिए, हम दोनों बर्तन में इसे डाल दी हूँ। और अब इसे इसमें डाल दूंगी करके, हमारे पास 3 बर्तन है, लेकिन एक में बीच वाला में ऐसे चिपक जाता है, तो उसे मैं नहीं डाली, सिर्फ 2 ही ऐसा वाला बर्तन ली हूँ। अब हम इसे ढक देंगे। और गैस भी कम कर दिए, कम गैस में इसे पकाना है, नहीं तो ज़्यादा पानी फेंक देता है ऊपर, सब कच्चा कच्चा रह जाता है। और इधर मैं आलू उबलने को डाल दी हूँ, अभी बनाऊंगी मसाला डोसा। तो बने रहे मेरे वीडियो में। ये हमारा इडली तैयार, गैस बंद कर देंगे और इसे खोल के देखेंगे। ये देखिए कितना मस्त बना है। ये दूसरा है, ये इडली तैयार गर्मा गर्म नाश्ता। हेलो गाइस, अब हम चटनी बनाने जा रहे हैं इडली का। तो इसमें मैं टमाटर और पीनट पीस ली हूँ, और कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। और अब इसमें सरसों डालूँगी। थोड़ा सा जीरा,
अब ये टमाटर और पीनट का जो पेस्ट बनाई है वो अब नमक और एक चम्मच डाल रही हूँ मैं मिर्ची पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए हमारा चटनी सिर्फ टमाटर है और मिर्ची पाउडर और पीनट, आज इसका ही चटनी बनाएंगे। हम लोग हल्दी नहीं खा रहे हैं ना अभी, तो इसलिए इसमें मिर्ची पाउडर डाली हूँ और टमाटर तो कलर आ रहा है ये देखिए। अब गैस कम करके इसे 5-10 मिनट तक पकाएंगे ढक के ऐसे। ये हमारा चटनी अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें पानी और गरम मसाला और गोलकी डालेंगे, काली मिर्च अब इसमें धनिया पत्ता एक दो मिनट तक इसे पकाएंगे ढक के, बस हमारा चटनी तैयार। इधर इडली बनाए और एक ही बैटर से डोसा भी बनाए, ये देखिए कितना मस्त डोसा बना हमारा। क्रिस्पी डोसा और इधर और बन रहा है इडली और इधर चटनी बन रहा है, तो बने रहे मेरे वीडियो में। सारे लोग सोए हैं तब तक मैं कितने सारे नाश्ता बनाई, ये देखिए चटनी इडली डोसा और इधर डोसे का जो मसाला रहता है आलू उसका सब्जी। तक सोए हैं मेरे घर में सारे लोग, उनका सुबह ही नहीं होता। हेलो गाइस, ये देखिए हमारा पेपर डोसा, ये देखिए इतने सारे मैं बना के रखी हूँ, मस्त बना है पेपर डोसा। और इधर इडली बना के रखी हूँ हमारा, और ये चटनी रही, इतना मस्त बना है डोसा। ये सारे ब्रेकफास्ट मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इतना मस्त बना। हेलो गाइस, मेरी मधु का ये बाल हेयर कटिंग करने जा रही है पार्लर में, ये देखिए कितना मस्त बाल है, लेकिन इसको स्टाइल बाल चाहिए, हेयर स्टाइल कराने जा रही है, तो मैं भी जा रही हूँ उसके साथ। हम जा रहे हैं रोटी बनाने और भिंडी का सब्जी। और ये देखिए मेरी मधु हेयर कटिंग करवाइए, दिखाओ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कटिंग करवाइए मधुश्री। ये देखिए मधु का बटरफ्लाई कटिंग, बने रहे मेरे वीडियो में। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।